वन था जो इनएक्टिव था उसने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने, अब वो एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, बाय द हेल्प ऑफ एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन टू जब कन्वर्ट होगा सबसे पहला ये काम क्या करेगा, आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और आपको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। जो आपका थर्स्ट सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में होता है, तो जब आप आपके हाइपोथैलेमस के पास आपका एंजियोटेंसिन टू जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे आपको प्यास लगेगी, आपको थर्स्ट प्यास लगेगी। क्योंकि आपका बीपी कम है इसलिए आपकी बॉडी क्या करती है, आपको प्यास लगती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और आपकी जो ब्लड का वॉल्यूम है वो ज्यादा और आपका बीपी दोबारा से नॉर्मल आ सके, ठीक है। तो ये पहली बात है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो एंजियोटेंसिन टू है ये क्या करता है, ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, पहले हाइपोथैलेमस और उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और क्या करता है, जो हमारा एडीएच एंजाइम है, सॉरी एडीएच जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको रिलीज करवाता है, उसको क्या करता है रिलीज करता है। और हम एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने आपको हजार दफा पढ़ाया था कि जो आपका एडीएच है, एडीएच क्या करता है आपके यूरिन को कम करता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये कैसे काम करता है हमने परसों क्लास में पढ़ा था कि आपकी किडनी में प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, और जरा मुझे बताए ना कि प्रिंसिपल सेल्स कहाँ पे होते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होते हैं या कहाँ पे होते हैं? यस, अब जब कलेक्टिंग डक्ट्स पे हमारे जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं ये काम क्या करते हैं, देखो फर्ज करो कि ये आपका प्रिंसिपल सेल है तो यहाँ पे इसका रिसेप्टर होता है एडीएच का, यहाँ पे आके जब एडीएच लगेगा तो यहाँ पे एक ये क्या कर देता है, एक होल बना देता है, एक रिसेप्टर बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्वापोरिन, जिससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो पहले हमारे यूरिन से निकल के सेल में आता है, सेल से फिर वापस हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपने याद रखना है जो एंजियोटेंसिन टू है, एंजियोटेंसिन टू क्या रिलीज करवाता है, एडीएच रिलीज करवाता है। एडीएच क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये देखो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ नीचे करके कि जो हमारा जो हमारे प्रिंसिपल सेल से क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। पहला काम ये हुआ, हमारा बीपी लो हुआ, हमारे बीपी लो होने से क्या हुआ, रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन रिलीज होने से क्या हुआ, जो एंजियोटेंसिनोजेन थी वो कन्वर्ट हो गई एक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन वन में, और एंजियोटेंसिन वन किस में कन्वर्ट हुई, एंजियोटेंसिन टू में बाय द हेल्प ऑफ एस एंजाइम। उसके बाद क्या हुआ, जो एंजियोटेंसिन टू था इसने अब सारे कमाल दिखाने हैं, इसने कौन कौन सा कमाल दिखाना है, ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और आपको क्या लगाएगा, आपको प्यास लगेगी। जब आपका बीपी लो होता है तो आपको प्यास बहुत लगती है, आपने सुना होगा कि जो मरीज होता है वो कहता है मुझे त्रेलियां बहुत आ रही हैं, तो वो इसी वजह से आती हैं कि एक तो आपको प्यास बहुत लगती है और आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से जो आपका एंजियोटेंसिन टू होता है वो पहले हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और क्या करेगा, आपको प्यास लगेगी। दूसरे दूसरे उसके बाद वो क्या करेगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टीरियर लोब है उसके पास जाएगा और वहां से जो एडीएच है, वहां पे जो एडीएच है उसको रिलीज करवाएगा, और एडीएच क्या करेगा, आपके जो प्रिंसिपल सेल्स हैं किस में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में, वहां पे जाके कुछ ऐसे रिसेप्टर बनाएगा जिससे क्या होगा, हमारा जो वाटर है, जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। पहला काम ये करता है। उसके बाद और क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन टू है, जो एंजियोटेंसिन टू है ये किसके पास जाता है, ये जाता है जी सुपरा रीनल ग्लैंड। सुपरा रीनल ग्लैंड हम किसको कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, जो आपकी किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, हम इसको एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। जो एंजियोटेंसिन टू होगा ना ये क्या करेगा, ये सुपरा रीनल ग्लैंड के पास जाएगा, उसको क्या कहेगा, उससे उस क्योंकि आप आपको पता है हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका सुपरा ग्रीनल या एड्रीनल ग्लैंड है ये तीन हार्मोन बनाता है, कौन कौन से हार्मोन बनाता है, सबसे पहले ये कार्टिसोल बनाता है, कार्टिसोल, उसके बाद एल्डोस्टिरोन, एल्डो बनाता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या बनाता है, एंड्रोजन, जिसमें आपके टेस्टोस्टिरोन और बाकी चीजें आती हैं। तो आपका जो सुप्रारेनल ग्लैंड है ये तीन हार्मोन बनाता है, कार्टिसोल, एल्डो और एंड्रोजन। अब ये क्या करेगा, ये जो एंजियोटेंसिन टू है ना, एंजियोटेंसिन टू ने अब कुछ भी ऐसा काम करना है कि जिससे आपका जो बीपी लो हुआ था वो ज्यादा नॉर्मल दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाए। अब वो कैसे करेगा, जो एंजियोटेंसिन टू है सबसे पहले उसने आपको क्या लगवाई, सबसे पहले तो उसने आपको प्यास लगवाई, जिससे आप ज्यादा पानी पियोगे तो आपका बीपी दोबारा नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, उससे क्या होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि जो आपका एडीएच है, जो आपका एडीएच है, एडीएच को रिलीज करवाएगा ताकि जो हमारा यूरिन में पानी जा रहा है उसको हम वापस हमारी बॉडी में ले आए। तीसरा काम ये क्या करेगा, तीसरा काम आपके सुपरा रिनल ग्लैंड के पास आएगा और क्या करेगा, एल्डोस्टिरोन को स्क्रीट करवाएगा। जो एल्डोस्टिरोन होगा, एल्डोस्टिरोन किस पे एक्ट करेगा, अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे, अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे एक्ट करेगा। कौन, एल्डोस्टिरोन। अब जो जो हमारा एल्डोस्टिरोन है ना, अब ये क्या क्या काम करेगा, तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि यार आपको एल्डोस्टिरोन के बारे में कुछ नहीं ना याद रहता, आपने ये चीजें याद रख लेनी है। देखो एल्डोस्टिरोन को हम ऐसे लिखते हैं, ALDOS
TERON, लेकिन जो ई है उसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आपने गौर से इसको देखना है कि हमारी जो एल्डोस्टिरोन होता है इसके चार फंक्शन होते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं मैं आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ। जो एल्डोस्टिरोन होता है, ए से मैंने कहा था, ए से आपने क्या याद रखना, ऐड करता है। क्या ऐड करता है ये, क्या ऐड करता है, सोडियम को ऐड करता है। ये क्या करता है, यूरिन से जो सोडियम जाया हो रहा है उसको ये वापस ले आता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में। तो एल्डोस्टिरोन क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है किसको, सोडियम को। और एक्सक्रीट किसको करता है, एक्सक्रीट करता है पोटाशियम को। एक्सक्रीट करता है किसको, पोटाशियम को। ये अभी मैं आपको इसकी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, फिर आपको ये और याद हो जाएगा। जो एल्डोस्टिरोन होता है ये रीअब्सॉर्ब करता है किसको, सोडियम को, और बाहर निकालता है किसको, पोटाशियम को। इसके अलावा मैंने दो बातें आपको और बताई थी कि ये और किसको एक्सक्रीट करता है, ये और किसको एक्सक्रीट करता है, हाइड्रोजन आयंस को। और मैंने कहा था जब भी एल्डोस्टिरोन रिलीज होता है आपको क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है या एसिडोसिस होती है, जरा मुझे बताएं, शाबाश जल्दी बताएं। उसके अलावा जो आपका एल्डोस्टिरोन है ये और क्या करता है, एल्डोस्टिरोन और क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है किसको, वाटर को। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आपके सोडियम और जो आपका वाटर है, दे आर जस्ट लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। जिस तरफ आपका सोडियम जाएगा ना उसी तरफ उसके पीछे पीछे आपका वाटर चला जाता है। तो जो चूंकि जो आपका एल्डोस्टिरोन है ये ऐड कर रहा है, ये रीअब्सॉर्ब कर रहा है किसको, सोडियम को, तो क्या होगा कि जो आपका वाटर होगा वो भी इसके पीछे पीछे चला जाएगा। और एल्डोस्टिरोन क्या कराता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम कराता है। और ये एक्सक्रीट क्या कराता है, ये बाहर क्या करता है, ये पोटाशियम को बाहर निकालता है और हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। चूंकि चूंकि ये हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, और जो हाइड्रोजन होते हैं ये क्या है, दे आर एसिड। जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिड है। तो जब हम एसिड को बाहर निकाल देंगे, चूंकि हम एसिड को बाहर निकाल रहे हैं, बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो आपने याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जब भी आपका एल्डोस्टिरोन आएगा, जब भी आपका एल्डोस्टिरोन आएगा आपके मरीज को या आपको, आपको क्या हो जाएगी, आपको हो जाएगी मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मतलब कि आपकी जो पीएच है वो किसकी तरफ गिर जाएगी, वो बेस हो बन जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो तो जाया हो रहा है यूरिन के थ्रू ड्यू टू एल्डोस्टिरोन। तो ये जो चार बातें मैंने सामने आपके लिखी हैं ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए, वरना गुजारा नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि यार जो हमारा एंजियोटेंसिन टू है ना, जो रास सिस्टम के थ्रू बना है, वो क्या करता है, वो आता है सीधा किसके पास आता है, हमारे रीनल ग्लैंड के पास आता है। अब जब रीनल ग्लैंड के पास आता है ना, तो वहां से वो क्या करता है, वहां से वो एल्डोस्टिरोन की सिक्रीशन कराता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया है, और हम मैंने परसों की क्लास में भी आपको बताया था कि जो एल्डोस्टिरोन होता है, ये किस पे एक्ट करता है, ये अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स पे एक्ट करता है। और अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स कहाँ पे होते हैं, दे आर इन कलेक्टिंग टिब्यूल्स। ये भी किस में होती है, कलेक्टिंग टिब्यूल्स में होती हैं। और जो नीचे उसने ये क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करेगा, आपके हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को, हाइड्रोजन को सिक्रीट कर देगा, क्योंकि एल्डोस्टिरोन का काम ही हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो जो एंजियोटेंसिन टू होगा ये एल्डोस्टिरोन को सिक्रीट करवाएगा, जिससे क्या होगा आपका हाइड्रोजन बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। उसने फिर नीचे भी लिखा हुआ है कि अल्फा इंटरग्रेटेड सेल पर जब ये एक्ट करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन एटीपेज की एक्टिविटी बढ़ा देता है। और ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उस दिन जो हमने पूरा पेज पढ़ा था वो सारा इसी बारे था। उसके बाद ये क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन टू होता है ये तीसरा काम क्या करता है, जो तीसरा काम ये करता है वो किडनी के पास आता है। ये क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन टू होता है ना ये किडनी के पास आता है। और कौन से सेल्स के पास आता है, ये आता है पीसीटी, जो हमारे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल सेल्स हैं, जो पीसीटी के सेल्स होते हैं उनके पास आता है। अब ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन जो एक्टिविटी होती है ना उसको ये क्या करता है, बढ़ा देता है। उसको कैसे बढ़ा देता है, अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है। देखो आपका ओवरऑल इफेक्ट, आपका स्टार्ट कहानी कहाँ से हुई थी, आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी कि यार हमारा ना बीपी लो हो गया, और आपको पता है कि जो नमक होता है, जो सोडियम होता है, ये बीपी को इंक्रीज करता है। अब हमारी बॉडी ये कोशिश कर रही है कि या तो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो कि कुछ ऐसा हो कि हमारा जो सोडियम है जो यूरिन के रास्ते बाहर जा रहा है वो क्या हो जाए, वो वापस आ जाए। और हमने पढ़ा था कि जो आपके पीसीटी होते हैं ये 65% सोडियम को क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं। अब जो एंजियोटेंसिन टू होगा ना ये क्या करेगा, मैंने आपको तब भी पढ़ाया था, मैं दोबारा भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट न्यू हैं तो उनको समझ आनी चाहिए। जो एंजियोटेंसिन टू होता है ये क्या करता है, पीसीटी सेल के पास आता है और क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन एक्टिविटी बढ़ा देता है। अब मैं आपको दोबारा तो वहां पे नहीं लेके जा सकता, लेकिन आपने यहाँ पे समझना है कि आपका क्या होता है, आपका जो पीसीटी का सेल होता है यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जो कि क्या करता है सोडियम को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है बट हाइड्रोजन को बाहर फेंक देता है। तो जिससे होता क्या है, जब हमारा एंजियोटेंसिन टू आता है ना, तो जो एंजियोटेंसिन टू जब इसको स्टिमुलेट करता है,
तो उससे क्या होता है, जो सोडियम हमारे यूरिन में जाया हो रहा था उसको हम वापस खींच लेते हैं, हमारे ब्लड में वापस आ जाता है, जिससे जो हमारा बीपी लो हुआ था वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करता है। तो तीसरा काम जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करता है, सोडियम और बाइकार्बोनेट और वाटर को क्या कर लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉन्ट्रेक्शन अल्कलोसिस क्या होता है, और मैंने आपको एग्जैक्ट ये बताया था कि एक मरीज है और वो क्या है, वो सहरा में चला गया। जब वो सहरा में जाएगा तो क्या होगा, जब वो सहरा में जाएगा तो उसको प्यास लगेगी, वो पानी नहीं पिएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, जब वो पानी नहीं मिलेगा तो उसका बीपी डाउन हो जाएगा, जब उसका बीपी कम होगा तो उससे क्या होगा, एल्डो रिलीज होगा, उससे क्या होगा, एल्डोस्टिरोन रिलीज होगा। जब एल्डोस्टिरोन रिलीज होगा तो एल्डोस्टिरोन क्या कर रहा है, एल्डोस्टिरोन क्या कर रहा है, ये देखो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सेक्रीट कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सेक्रीट कर रहा है। जब हाइड्रोजन हमारा सेक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, अल्कलोसिस होगी, क्योंकि एसिड बाहर निकल गया तो पीछे क्या, पीछे हमारी जो पीएच है वो बेसिक हो जाएगी, तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन अल्कलोसिस। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है कि जो मरीज है उसमें पानी की कमी हो गई है और उसका जो पीएच है ब्लड की वो क्या हो गई है, अल्कलाई हो गई है, मतलब वो बेसिक हो गई है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे ये क्या करता है, आगे ये क्या कमाल दिखाता है, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है कि जो आपका होता है, अल्लाह भला करे, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 आपके एफरेंट आर्टेरियोल के पास आता है, आपके इफरेंट आर्टियोल। इसको अब मैं समझाता हूँ, देखो हमने कैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यार ये आपका क्या है, ये आपका आफरेंट आर्टियोल है, और आफरेंट से मैंने कहा था आओ, मतलब आफरेंट से आपने याद रखना आओ, ये ब्लड को अंदर लेके आता है, और उसके बाद आपके ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, और यहाँ पे आपका क्या है इफरेंट, ये आफरेंट इफरेंट, और ये क्या है आपका बोमेन कैप्सूल है, इस तरह आपका नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा था ना। अब होता क्या है, जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये बड़ा एक चालाक है, ये चालाक कैसे है, ये क्या करता है, जो आपका बाहर जाने का रास्ता है, जो बाहर जाने का रास्ता है उसको ये क्या कर देता है, तंग कर देता है, और जो आने का रास्ता है वो नॉर्मल रहता है। अब होता क्या है, फर्ज करो मैं इसको रेड से बना देता हूँ, जो आपका ब्लड है वो यहाँ से आएगा 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 यहाँ से आएगा, लेकिन चूंकि जो बाहर जाने का रास्ता है वो बंद है, वो तंग है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो उसकी फिल्ट्रेशन हो रही थी वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये मैंने आपको तीसरी बार ये बात पढ़ा रहा हूँ कि जब आपका एंजियोटेंसिन 2 आता है तो हमारी जो GFR होती है वो ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे लिख भी लें कि जो आपकी GFR होगी वो ज्यादा हो जाएगी जब भी एंजियोटेंसिन 2 आएगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, बाहर का रास्ता तंग कर देता है और आने का रास्ता क्या कर देता है, नॉर्मल रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका फिल्ट्रेट होता है वो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर हो जाता है, और जो चीज फिल्टर हो रही होती है और जिस क्वांटिटी से वो फिल्टर हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम GFR कहते हैं। तो चूंकि आपका बाहर जाने का रास्ता तंग हो गया है, आने का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल है, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, आपकी GFR को बढ़ा देगा। अब देखो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, देखो फर्ज करो एक बंदा है और उसका बीपी कम है, ठीक है, उसका बीपी कम है, उसका बीपी कम है, जब उसका ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसकी किडनी की ब्लड सप्लाई भी कम होगी, उसकी जो किडनी की ब्लड सप्लाई है वो भी कम होगी, जब उसकी किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी तो ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2, ये एंजियोटेंसिन 2 की मेहरबानी है कि क्या होता है कि हमारा जो GFR है वो प्रिजर्व रहती है। तो प्रिजर्व का ये मतलब ये है, इधर प्रिजर्व का मतलब ये है कि जो आपकी GFR है वो मेंटेन रहती है, वो एक जैसी रहती है, मतलब जैसे ही हमारी GFR कम होती है तो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है, और एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही रिलीज होता है तो क्या होता है, हमारी GFR प्रिजर्व हो जाती है, जो GFR थोड़ी सी कम हुई थी वो फौरन नॉर्मल हो जाती है, ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टरियोल। ये समझने वाली बात थी इधर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ पे हमारी फार्मा भी अप्लाई होती है। जो एंजियोटेंसिन 2 है आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं, इन पे इन जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं इनमें एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। अब जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर है ना, ये क्या करेगा, जो जब भी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को हम क्या करते हैं, हम स्टिमुलेट करते हैं, तो क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को जब भी हम स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, जो हमारी वेसल होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब भी वो कंस्ट्रिक्ट होगी तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो जो ब्लड वेसल है अगर मैं उसको तंग कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जब मैं उसको डायलेट करूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है, ये आपकी बुक पे सामने लिखी हुई है, और ये दूसरी बुक से आप पढ़ोगे ना तो उसने 3-4 पेजेस में लिखा है, लेकिन फर्स्ट एड की यही ब्यूटी है कि वो ज्यादा बातें बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे लिख देता है। तो इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, और ये वो वाला टॉपिक है जिसमें से एमसीक्यूज इंशाल्लाह आएगा आपको, तो आपने इसको ध्यान से कहानी की तरह समझना है कि यार एक मरीज है,
मैं आपको एक दफा रिपीट करवाता हूँ, फिर मैं आपको ना इसका रिवाइज करवाता हूँ कि आपने इसमें बातें कौन सी याद रखनी है। जाहिर बात है आप सारी बातें तो याद नहीं ना रख सकते, लेकिन जो बातें आपने लाजमी याद रखनी है वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक दफा इसका रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आपका मरीज आएगा, मरीज ने क्या किया, मरीज ने पानी नहीं पिया या मरीज का बीपी कम हो गया। जब भी बीपी कम होगा तो क्या होगा, किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी तो जो हमारा मेक्यूला डेंसा है इसको सोडियम कम मिलेगा। इसको क्या होगा, इसको सोडियम कम मिलेगा। जब इसको सोडियम कम मिलेगा तो ये मेक्यूला डेंसा, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स और मेसेंजियल सेल्स, तीन तरह के सेल्स होते हैं। ये तीनों सेल्स को हम मिला के कहते हैं जक्स्टा ग्लोमरुलर अपरेटस। अब ये जो जक्स्टा ग्लोमरुलर अपरेटस है ना, ये क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं। रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारे एंजियोटेंसिनोजेन एक प्रोटीन होती है जो कि लिवर बनाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। और जो एंजियोटेंसिन 1 है ये इनएक्टिव है, ये अभी कोई हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हमने एक्टिव करना है। एक्टिव हम कैसे कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं एएस एंजाइम। एएस एंजाइम, और एएस एंजाइम कौन बनाता है, हमारी लंग्स बनाती हैं। ये एमसीक्यूज है कि एएस कौन बनाता है, एएस सबसे ज्यादा कहाँ पे बनता है, हमारी लंग्स में बनता है। अब एएस क्या करता है, एएस एक काम ये करता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा काम ये क्या करता है, जो हमारा ब्रेडीकाइनिन है, जो हमारा ब्रेडीकाइनिन है इसको तोड़ देता है। अब ब्रेडीकाइनिन की हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेडीकाइनिन क्या करता है, एक तो हमें खांसी जो आती है वो ब्रेडीकाइनिन की वजह से आती है, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन में काम करता है, उसके अलावा जो हमें पेन महसूस होती है, जो हमें दर्द महसूस होता है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ब्रेडीकाइनिन। और जरा मुझे कोई बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट बताएगा जिसने मुझसे एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है कि हमने ब्रेडीकाइनिन कहाँ पे पढ़ा था, वहां पे सॉल्व याद आया कुछ? हाँ डॉक्टर तरीम आप बिल्कुल सही कह रही हो, जो हिमाटोलॉजी है उसमें ये पेन ही करवाता है, जो ब्रेडिकाइनिन ये पेन हमें फील करवाता है। लेकिन मैंने आपको जब कोर्टिसोल पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि जो कोर्टिसोल होता है ये आपको क्या करता है, आपके ब्रेडिकाइनिन को ज्यादा कर देता है। तो इससे आपको थोड़ी सी भी कोई पेन देगा ना तो आपको बहुत ज्यादा फील होती है। तो कार्टिसोल का एक ये क्या था, साइड इफेक्ट था। अच्छा खैर हम वापस आते हैं, जब जो आपका एस इनहिबिटर है ना ये क्या करता है, हमारे ब्रेडिकाइनिन को तोड़ देता है। जब हम क्या करेंगे, हम ऐसी कोई ड्रग यूज करेंगे जिससे हमारा जो एस है वो इनहिबिट हो जाए, इससे इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस इनहिबिटर, एस इनहिबिटर। जब हम एस इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेडिकाइनिन है वो टूटेगा नहीं। जब वो टूटेगा नहीं तो ब्रेडिकाइनिन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब ब्रेडिकाइनिन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो मरीज होगा उसको खांसी आएगी। और ये बहुत एक कॉमन सिम्टम है एस इनहिबिटर का, कि एस इनहिबिटर का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, इट इज कफ, के जो मरीज होगा उसको खांसी आएगी। अच्छा उसके अलावा और क्या करता है, जो आपका एस इनहिबिटर है और जो एस एंजाइम है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस के पास जाता है और आपको प्यास लगती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और आपका जो ब्लड प्रेशर वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आ सके। उसके अलावा जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और एडीएच रिलीज कराता है। जब एडीएच रिलीज होगा तो एडीएच आपके किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल सेल्स के पास जाएगा, और प्रिंसिपल सेल्स में क्या बनाएगा, एक्वापोरिन बनाएगा। जब एक्वापोरिन होंगे तो क्या होगा, आपका वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद और क्या होगा कि जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है ये किसके पास जाता है, एड्रीनल ग्लैंड के पास जाता है और एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कराता है। जब एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाएगा तो और क्या करता है, जब एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कराता है तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, अल्फा इंटरग्लिएटेड सेल्स के पास जाता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन को सेक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ये हम मैंने आपको परसों वाली क्लास में पढ़ाया था। जिन बच्चों को ये सारी समझ नहीं ना आ रही कि यार ये हाइड्रोजन कैसे सेक्रीट और एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो मुझे मैसेज करें, मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और आप वो पहले सुने, फिर आपको ये समझ आएगी। वरना आपको ये सारी समझ नहीं आएगी कि हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहा है और पोटाशियम एक्सक्रीट हो रहा है, ये सारी हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर थरी मैं आपको दिखा दूंगा, जो ब्रेडिकाइनिन है वो कॉर्टिसोल के मैंने पढ़ाया था कि कॉर्टिसोल जो होता है वो ब्रेडिकाइनिन को ज्यादा करता है हमारी बॉडी में, मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे फर्स्ट एड पे ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा खैर हम आगे चलते हैं। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये आपकी किसके पास जाता है, आपकी किडनी के पास जाता है। और जो आपकी पीसीटी सेल्स होते हैं, पीसीटी सेल्स में हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर। वो क्या करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। तो जब भी हमारा एंजियोटेंसिन 2 किडनी के पास जाएगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारा सोडियम क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और हमारा जो ब्लड है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करेगा। उसके बाद और क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन 2 है किसके पास जाएगा, हमारे अफ्रेंट और इफ्रेंट आर्टियोल के पास जाएगा और ये बाहर का रास्ता बंद कर देगा। जब हमारा बाहर का रास्ता बंद होगा तो क्या होगा,
जो आने का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता तंग है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी और हम कहेंगे जीएफआर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और हमारी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन या जीएफआर इंक्रीज हो गई है। और ये क्या काम करता है, इट प्रिजर्व जीएफआर। यहाँ पे लिख लें कि प्रिजर्व का मतलब है मेंटेन, यहाँ पे उसके बताने का मकसद ये है कि जो आपका एंजियोटेंसिन टू है ये क्या करता है, मेंटेन रखता है आपकी जीएफआर को, ये प्रिजर्व का मतलब है मेंटेन करता है। उसके बाद जो आपका एंजियोटेंसिन टू है ये आपकी ब्लड वेसल के ऊपर आएगा और ये क्या कॉज कराएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, जिससे आपका जो बीपी है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये जब आपका बीपी लो होता है तो इतने ज्यादा हमारी बॉडी में मैकेनिज्म चल रहे होते हैं। अब आप कहते हैं कि यार इतनी बातें हम कैसे याद रखेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो आपने लाजमी याद रखनी है, उसके अलावा आप चाहे कुछ याद रखो या ना याद रखो, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, देखो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे जो मरीज होगा उसको उसका बीपी कम होगा, तो आपने याद रखना है जब भी हमारा बीपी कम होता है तो हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब रास सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, जो हमारा बीपी जब भी कम होगा तो हमारी जो किडनी है वो क्या पैदा करेगी, वो रेनिन पैदा करेगी। वो क्या पैदा करेगी, वो रेनिन पैदा करेगी। जब वो रेनिन पैदा करेगी तो रेनिन क्या करेगा, रेनिन हमारी जो जिगर है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम, जो हमारा जिगर है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। जो एंजियोटेंसिनोजेन है, जो रेनिन होता है एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है किस में, A1 में, A1 मतलब कि एंजियोटेंसिन 1 में। जब एंजियोटेंसिन जो 1 होता है, जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ये क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन 1 है ये आगे इस एक और एंजाइम हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं एस, जिसको हम क्या कहते हैं एस, और एस कौन बना रहा है, हमारी लंग्स बना रही है। जो एंजियोटेंसिन 1 है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हमारी जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन है, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन मतलब कि सोडियम को हमारे यूरिन से उठाता है और वापस ले आता है, तो सोडियम रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा कर देता है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करता है, दूसरी बात ये क्या करता है, तो मैंने कहा था कि जब भी जहां जहां सोडियम, उसके पीछे पीछे हमारा वाटर होता है, तो जब हमारा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा उसके पीछे हमारा पानी आ जाएगा, तो पानी और सोडियम की ये क्या कराता है, रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है एंजियोटेंसिन 2। उसके अलावा जो एंजियोटेंसिन 2 है ये तीसरा काम क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन 2 है ये तीसरा काम क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। और चूंकि हमारा बीपी कम हो गया और उसको बॉडी ठीक करने की कोशिश कर रही है बाय द हेल्प ऑफ रास मैकेनिज्म, तो जो आपके सामने बातें लिखी हुई हैं, जब भी हमारा बीपी कम होगा रेनिन रिलीज होगा, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा A1 एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 किस में आगे कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एस इनटू एंजियोटेंसिन 2, और जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉरी आगे क्या करेगा, सोडियम की रीअब्सॉर्ब कराएगा, वाटर को बाहर फेंक देगा, और सॉरी वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करा लेगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा। इन तीनों की वजह से जो हमारा बीपी होगा वो दोबारा बढ़ेगा और वो नॉर्मल की तरफ आएगा। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये हमारी सबकी बॉडी में होता है जब हमारा बीपी कम होता है। अब आप कहते हैं कि यार एक बंदा है ही हाइपरटेंशन का मरीज, एक बंदा है ही क्या बीपी का मरीज, हम उसको ठीक कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो गौर करना है, थोड़ी सी आपको फार्मा भी यहाँ से समझ आ जाएगी। अगर ये जो एंजाइम है, ये जो एस है जो लंग्स बना रही है, अगर मैं इसी को किसी किसी तरीके से इसको इनहिबिट कर दूं तो क्या होगा, जो हमारा A1 है, जो हमारा एंजियोटेंसिनो 1 है, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आगे वाला कोई भी, आगे वाला जितना भी मैकेनिज्म है वो नहीं चलेगा। जब आगे वाला मैकेनिज्म ही नहीं चलेगा तो क्या होगा, जब आगे वाला मैकेनिज्म नहीं चलेगा तो आपका जो बीपी है जो इंक्रीज हो रहा है वो नहीं इंक्रीज होगा, तो आपका जो हाइपरटेंशन का मरीज है वो ठीक हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं कि जब हम एस इनहिबिटर देते हैं तो खांसी का साइड इफेक्ट क्यों आता है, एस इनहिबिटर हम क्यों दे रहे हैं, टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ठीक है, हम बीपी को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपका एस है, जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये एक और काम कराता है, ये ब्रेडिकाइनिन, जो ब्रेडिकाइनिन होता है उसको ये कम करता है, हमारी बॉडी बॉडी में ब्रेडिकाइनिन को कम करता है। ये आप अपनी बुक पे लिख ले, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो एस होता है ना ये ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है। अगर हम एस को ही नहीं रहने देंगे, अगर हम एस एस को ही नहीं रहने देंगे, हमने उसका इनहिबिटर दे दिया है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्रेडिकाइनिन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपकी बॉडी में क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब आपकी बॉडी में ब्रेडिकाइनिन ज्यादा होगा तो ब्रेडिकाइनिन का फंक्शन क्या होता है, हमें कफ रिफ्लेक्स, हमें खांसी दिलाता है। तो जब आप एस इनहिबिटर देते हो तो आपका मरीज अक्सर आपके पास आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी आ रही है, तो आपने उसको कफ सिरप नहीं दे देना, आपने उसको क्या, आपने जो उसको एस दिया हुआ है आपने कोई और ड्रग देनी है जिससे क्या हो कि उसकी हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाए और जो उसको खांसी आ रही है वो भी ठीक हो जाए। अब उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ये अगर आप गौर करें तो जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है,
जो आपका एंजियोटेंसिन टू है, एंजियोटेंसिन टू, इसके अगर हम रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, इसके अगर हम रिसेप्टर्स को क्या करें, ब्लॉक कर दें, अगर मैं इसके रिसेप्टर को क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं, तो क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन टू ने जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी थी वो भी नहीं होगा, तो जो बीपी होगा वो बढ़ेगा नहीं, तो हम हाइपरटेंशन को ठीक कर देंगे, हम हाइपरटेंशन को क्या, बीपी को क्या करेंगे, नॉर्मल रखेंगे बाय द हेल्प ऑफ ए टू, एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर। और इसमें बहुत मशहूर है जमाना ड्रग्स हैं, वलसरतान, सारी जितने जिनके भी एंड पे सरतान आता है ना, सरतान, वो सारी क्या है, दे आर ऑल एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर। और इससे हमें दो फायदे हुए, एक तो जो खांसी आ रही थी मरीज को ACE इनहिबिटर देने से वो भी ठीक हो गई, दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा कि हमारा जो बीपी है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, और ये MCQ है फार्मा के हवाले से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको आपने अच्छे से देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एक दफा कि जो आपके सामने ये थ्योरी लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, एक दफा इसको मैं रीड करवा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हाईलाइट करता जाऊंगा, जो जो चीजें मैं हाईलाइट करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पास्ट MCQs है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार जो आपका रेनिन है, जो आपका रेनिन है ये सिक्रीट कौन करता है, तो जो आपका रेनिन है ये सिक्रीट करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर, JG का मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल परफ्यूजन। रीनल परफ्यूजन का मतलब यह है कि जब भी आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, आपके जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो सेक्रीट करेंगे, क्या सेक्रीट करेंगे, दे विल सेक्रीट रेनिन। अच्छा, अब उसके बाद वो ये कहता है कि जब भी हमारा रेनिन सेक्रीट होता है, या फिर उसके अलावा उसने वही बातें दोबारा लिखी हुई हैं कि जो आपका इंक्रीज रीनल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है, जब आपको बीपी कम होगा तो आपके जो बैरोरिसेप्टर हैं वो क्या करेंगे, वो आपके सिंपैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जब आपका सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपकी जो किडनी है उसमें होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर, जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होंगे, जब वो एक्टिवेट होंगे तो आपका रेनिन रिलीज होगा। उसके अलावा तीसरी वजह क्या है, जो तीसरी वजह है वो ये है, जो तीसरी वजह है वो ये है कि जो आपका NaCl डिलीवरी है, मतलब कि देखो जब भी हमें बीपी कम होता है, तो बीपी कम क्यों होता है, हमारी बॉडी में या तो पानी की कमी हो गई है या फिर नमक की कमी हो गई है, NaCl की कमी हो गई है, तो चूंकि बीपी कम हो गया तो NaCl भी कम होगा, NaCl जब हमारी बॉडी में कम है तो हमारी किडनी में भी कम जाएगा, जब हमारी किडनी में कम जाएगा तो मैक्यूला डेंसा के पास भी कम पहुंचेगा, जब मैक्यूला डेंसा के पास भी कम पहुंचेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी क्या रिलीज करेगी, रेनिन। तो रेनिन के बारे में आपने सिर्फ ये, अगर आपको ये बातें नहीं याद रहती तो आपने सिर्फ ये बातें याद रख लेनी है कि जो आपका रेनिन होता है, जो आपका रेनिन होता है ये कब सिक्रीट होता है, जब भी आपका बीपी कम होगा, जब भी आपका बीपी कम होगा आपका रेनिन सिक्रीट होगा, ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इसमें जो MCQs है, जो इसमें MCQs है वो ये वाला है कि जो आपका रेनिन है वो सेक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, पहली बात, और दूसरे नंबर पे ये एक MCQs है कि जब भी हमारे NaCl को डिलीवरी कम जाती है, जो हमारा NaCl है, जो NaCl की डिलीवरी कम जाती है किसको, मैक्यूला डेंसा को, तो आपका रेनिन रिलीज होता है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ACE की, कि ACE में आपने क्या याद रखना है, तो ACE में आपने याद रखना है, बहुत आसान बात है, जो ACE है ये क्या करता है, कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 था, जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 था उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ACE ने पहला काम ये करना था कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना था। अब आपकी दूसरी आपकी बुक ने ये लिखा है कि इट इज लोकेटेड, जो ACE है वो काफी हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारे काफी ज्यादा जो टिश्यूज हैं वो ACE पैदा करते हैं, बट कन्वर्जन, जो ये जो कन्वर्जन होती है ये एक्सटेंसिवली, और सबसे ज्यादा जो ACE बनता है वो भी आपकी लंग्स में बनता है, और ये जो कन्वर्जन होती है ये भी सबसे ज्यादा किस में होती है, आपकी लंग्स में ही होती है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी अहम बात है, इतनी कोई खास नहीं है, कि जो आपका ACE होता है, ACE क्या करता है, एक ACE तो काम, ACE का काम क्या है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है किस में, एंजियोटेंसिन 2 में। उसके अलावा और ये काम क्या करता है, और ये आपकी पूरी बॉडी में लोकेटेड इन मेनी टिश्यूज, बट कन्वर्जन, जो कन्वर्जन होती है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में, वो कहाँ पे होती है, वो होती है मोस्टली किस में, लंग्स में होती है। उसके अलावा आपने और क्या याद रखना है कि प्रोड्यूस बाय वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स इन लंग्स, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो आपकी लंग्स होती हैं उसके जो वेस्कुलर, जो उसकी वेसल्स हैं उसके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स, जो नए स्टूडेंट आए हैं मैं उनको बता दूं, देखो फर्ज करो कि ये आपकी क्या है, एक वेसल है, ठीक है, ये क्या है, वेसल है, और जो वेसल होती है ना उसकी जो दीवारें होती हैं वो बनी होती है एंडोथेलियल सेल से, फर्ज करो ये भी एंडोथेलियल सेल, ये उसकी दीवार है, तो जो उसके जो वेसल होती है उसके जो जितनी भी दीवारें होती है वो एंडोथेलियल सेल से बनी होती हैं, तो जो लंग्स होती हैं, जो लंग्स होती हैं उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, जो उसके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो क्या पैदा करते हैं, ACE पैदा करते हैं। लेकिन इधर एक और बात जो आपने याद रखनी है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी
की हुई, और वो बात क्या है, वो बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप क्या करोगे, जब आप एस इनहिबिटर देते हो, अगर आप किसी बंदे को एस इनहिबिटर देते हो, जब आप एस इनहिबिटर देते हो तो उसमें एंजियोडीमा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उसमें एंजियोडीमा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये हम हिमाटोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम एस इनहिबिटर देते हैं तो आपके ब्रेडिकार्डियन ज्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है एंजियोडीमा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो एस इनहिबिटर की ये याद रखनी है कि जब भी हम एस इनहिबिटर ड्रग्स देंगे तो जो मरीज होगा उसको खांसी बहुत आएगी, उसको खांसी जब आएगी तो आपने उसको कफ सिरप नहीं दे देना, आपने खांसी का शरबत नहीं दे देना, आपने उसको क्या देना है, आपने उसको फिर और कोई ड्रग पे लगाना है, जिससे क्या हो कि उसकी उसका बीपी भी ठीक हो जाए और क्या हो उसकी प्रॉब्लम भी हल हो जाए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके आगे चलते हैं हम, और आगे आपकी है जी, आगे आपका क्या है, आगे आपका है एंजियोटेंसिन 2। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका काम क्या होता है, तो उसका आपकी बुक ने जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपने वही बातें याद रखनी है, लेकिन आपकी बुक वाला भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो ये कहता है कि हेल्प मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, मतलब जो एंजियोटेंसिन 2 है आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। जब आपका बीपी गिरता है तो आपका एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, और क्या कराता है आपके सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करा लेता है। तो इस तरह आपके ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को। और इस यहाँ पे जो बैरो उसने लिखा हुआ है कि जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है, इट इफेक्ट बैरो रिसेप्टर फंक्शन, लिमिट रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने पढ़ा था कि जो आपकी कैरोटिड आर्च होती है, जो आपकी क्या होती है कैरोटिड आर्च होती है, कैरोटिड आर्च और आपकी जो कौन सी होती है, जो आपकी एओर्टिक आर्च होती है, जो कैरोटिड और एओर्टिक आर्च आर्च होती है, इनमें साइनस होते हैं और इनमें क्या होते हैं, इनमें बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके बीपी को डिटेक्ट करती हैं। जब आपका बीपी कम होता है ना, जब भी आपका बीपी कम या ज्यादा होता है तो ये उनको डिटेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। अब फर्ज करो कि क्या होगा, जो आपका बैरो रिसेप्टर है, फर्ज करो आपका बीपी कम हो गया, ठीक है, आपका बीपी क्या, पहले हम समझते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म। देखो फर्ज करो कि आपका जो बीपी है वो ज्यादा हो गया, जब आपका बीपी ज्यादा होता है ना, जो आपके जो बैरो रिसेप्टर होते हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि यार बीपी ज्यादा हो गया। जब बीपी ज्यादा होता है ना तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया, रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया मतलब जो हमारी हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, ये पहली बात है। लेकिन अब जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करता है, ये बैरो रिसेप्टर के फंक्शन को इफेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया आना था उसको ये क्या कर देता है, उसको लिमिट कर देता है। अब इसको थोड़ा सा गौर से समझना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जब एंजियोटेंसिन 2 आता है तो एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करना था, वेजोकंस्ट्रिक्शन करानी थी। जब वेजोकंस्ट्रिक्शन करानी थी तो वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, जब भी एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, आपका बीपी इंक्रीज होगा। अब आपकी बुक ने एक लिखा हुआ है, एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, यही मैं पढ़ा रहा था कि आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है कि जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ये क्या करता है, बैरो रिसेप्टर के फंक्शन को लिमिट कर देता है, ताकि हमें क्या हो रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया ना हो। मतलब कि देखो जो जब भी आपका बीपी ज्यादा होता है ना, जब भी आपका बीपी क्या होता है ज्यादा होता है तो आपके जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। जब आपके पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपको क्या हो जाता है रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया, आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है, रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया। अब हम इसको समझते हैं कि जब हमारा एंजियोटेंसिन 2 आता है ना तो ये क्या काम करता है, ये हमारा जो बैरो रिसेप्टर होते हैं उनको ये क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। जब वो लिमिट होंगे तो क्या होगा, हमें रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमें ब्रैडीकार्डिया नहीं होता, इट इज ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2। तो ये आपने बात याद रखनी है कि एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन काज कराता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन से क्या होता है, एक तो हमारा बीपी कम हुआ था वो दोबारा बढ़ जाता है, और हमें रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया से भी बचाता है, रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया से भी ये क्या करता है बचाता है। हम आगे चलते हैं, और उसके बाद उसने बताया हुआ है कि जो आपका एएनपी और बीएनपी है, जो आपके एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड और बेरियम नाइट्रिक पेप्टाइड है, ये क्या करते हैं। तो जो एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड और बेरियम नाइट्रिक पेप्टाइड है, देखो मैंने आपको कहा था कि फर्ज करो ये आपका क्या है, हार्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका हार्ट है, ये तो वैसे मैंने हार्ट थोड़ा सा और ही बना दिया। इसके 4 चैम्बर हैं, जो ऊपर वाले चैम्बर हैं ये क्या है, एट्री है। अब जब भी आपका बीपी ज्यादा होता है, जब भी आपका बीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा बीपी क्या करेगा, ज्यादा बीपी इस एट्रिया को स्ट्रेच करेगा,
जो आपके एट्रिया एट्रिया की दीवारें होंगी वो क्या होंगी, वो स्ट्रेच होंगी। जब एट्रिया की दीवारें स्ट्रेच होंगी तो क्या होगा, एट्रिया हमारा दो हार्मोन पैदा करेगा, एट्रिया हमारा एक हार्मोन पैदा करेगा जिसको हम कहते हैं एएनपी, और जो हमारे वेंट्रिकल हैं ये एक और हार्मोन पैदा करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं बीएनपी। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या होंगे, ये दोनों हार्मोन्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे हमारे हार्ट से इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर। अब होगा क्या, ये जो एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड और बेरियम नाइट्रिक पेप्टाइड है ये क्या करता है, ये क्या करता है इसको हम समझते हैं। देखो ये हम तीसरी दफा पढ़ चुके हैं कि जो आपका एएनपी और बीएनपी है इट रिलीज फ्रॉम एट्रिया, जो एएनपी है वो एट्रिया से आता है और जो वेंट्रिकल है वो क्या बनाते हैं बेरियम नाइट्रिक पेप्टाइड बीएनपी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज वॉल्यूम। जब भी आपका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जब भी आपका बीपी ज्यादा होता है तो क्या होता है, क्या होता है आपका एएनपी और बीएनपी रिलीज होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इनहिबिट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो जितने भी ऊपर हमने हार्मोन पढ़े हैं ये वाले सारे हार्मोन क्या है, ये रास सिस्टम के हार्मोन है, लेकिन जो एएनपी और बीएनपी है, जो एएनपी और बीएनपी है ये क्या करता है, ये कम कर देता है किसको, ये कम कर देता है किसको, रास सिस्टम को। तो मतलब के जो आपका एएनपी और बीएनपी है, जब भी आपका बीपी क्या होगा, जब भी आपका बीपी ज्यादा होगा एएनपी और बीएनपी रिलीज होंगे, एएनपी और बीएनपी रिलीज क्या करेंगे, ये सबसे पहले आपके वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे आएंगे, जो वस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उस पे आके एक्ट करेंगे और उनको रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स कैसे करेंगे, फर्ज करो कि ये आपके क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है ठीक है, और इसमें क्या होंगी, इसकी जो दीवारें हैं वो किससे मिलके बनी है, एंडोथेलियल सेल से मिलके बनी है। अब चूंकि जो आपका एएनपी और बीएनपी है ये एक्ट करता है साइक्लिक जीएमपी के पाथवे पे, और इसको हमने बड़ी तसल्ली से बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि जो आपके साइक्लिक जीएमपी है, जो आपका साइक्लिक जीएमपी है ये क्या कराता है, ये रिलैक्सेशन कॉज कराता है। तो जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे ना तो आपको क्या होगी, वेजो डाइलेशन ठीक है, वेजो डाइलेशन। तो जब वेजो डाइलेशन होगी, जब वेजो डाइलेशन होगी तो क्या होगा, आपकी जो जीएफआर है, जो आपका फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। जब फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, जीएफआर ज्यादा होगी तो क्या होगा, जब जीएफआर ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी जो रेनिन है वो कम हो जाएगी। देखो जीएफआर कम थी तो रेनिन ज्यादा थी, लेकिन जीएफआर जैसे ही ज्यादा हुई आपकी किडनी को ज्यादा ब्लड गया, जब ज्यादा ब्लड गया तो जो रेनिन था वो क्या होगा, कम होगा। जब वो कम होगा तो क्या होगा, आपका बीपी जो ज्यादा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद और हम क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपका एएनपी और बीएनपी है, ये हम एंडोक्राइनोलॉजी में आपको बार बार भी पढ़ा चुका हूँ कि जो आपका एएनपी और बीएनपी है ये क्या करते हैं, ये डायलेट करते हैं आफरेंट को और ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं नेट यूरेसिस। इसको हम समझते हैं, देखो फर्ज करो कि ये आपका क्या है, दिस इज आफरेंट आर्ट्रियोल, दिस इज ग्लोमरुलस और दिस इज इफरेंट आर्ट्रियोल। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक मिनट बस। ओके तो जो आफरेंट आर्ट्रियोल है, जो आफरेंट आर्ट्रियोल है वो आने का रास्ता है। तो जो आपका एएनपी और बीएनपी है ये क्या करते हैं, आने के रास्ते को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। आने के रास्ते को क्या कर देते हैं, डायलेट करते हैं, जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारी किडनी में आता है। अब जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा तो जो यहाँ से जो फिल्टर हो रहा है वो भी ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होगा तो क्या होगा, हमारी जो जीएफआर है, जो हमारी जीएफआर है, फिल्ट्रेशन रेट है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एएनपी और बीएनपी क्या करते हैं, हमारे जीएफआर को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो ये आपने याद रखना है, और जब ये ज्यादा करते हैं तो हमें जो हमारी बॉडी होती है वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम को रिमूव कर देती है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जो एएनपी और बीएनपी ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं किसको, नेट यूरेसिस को, ताकि हमारा जो सोडियम है वो बाहर पेशाब के रास्ते बाहर चला जाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे है जी आपका एडीएच। अब एडीएच में हमने क्या देखना है, एडीएच हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एडीएच में उसने ये लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, प्राइमरी रेगुलेट सीरम ऑस्मोलैरिटी। इसने क्या करना था, जो हमारा सीरम होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना होता है। आल्सो रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड वॉल्यूम। देखो इसको मैं समझाता हूँ, फर्ज करो आपका जो बीपी है वो कम हो गया, मतलब आप में पानी की कमी होगी, आपने सारा दिन पानी नहीं पिया, आप में पानी की कमी होगी। जब बीपी कम होगा तो क्या होगा, बीपी जब कम होगा तो क्या होगा, आपका रास सिस्टम चलेगा। जब आपका बीपी कम होगा तो क्या होगा, जब आपका बीपी कम होगा तो क्या होगा, रास सिस्टम चलेगा। जब रास सिस्टम चलेगा तो रास सिस्टम से क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, अभी हमने पढ़ा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा, एंटी डायुरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। जब एंटी डायुरेटिक हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा, एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करेगा, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर को क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा, ताकि जो हमारा पानी यूरिन के रास्ते बाहर जा रहा है उसको हम वापस अपनी बॉडी में ले आए। क्योंकि आपकी बीपी में पानी की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपका एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होने से क्या होगा कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह आपका जो बीपी है वो दोबारा थोड़ा बहुत नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है
ऑल्सो स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ यूरिया। तो मैंने आपको कहा था कि इस जो आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें यूरिया के रिसेप्टर होते हैं UT1, ठीक है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है ना इसमें आपके यूरिया के रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी आपका एडिया चाहता है ना तो इन UT1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और क्या होता है आपका जो यूरिया होता है, जो आपका यूरिया होता है उसको हम वापस ले आते हैं, उसको यूरिन में नहीं जाने देते, उसको हम वापस अपने ब्लड में ले आते हैं। देखो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही कि यार ये यूरिया कहाँ से आ रहा है, ये रीअब्सॉर्प्शन सिक्रीशन ये क्या चीजें होती हैं, तो वो पहले पिछले 4 लेक्चर सुने फिर ही उनको समझ आएगी, वरना उनको ये काफी मुश्किल लग रहा होगा। वैसे ये बिल्कुल आसान बातें हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, मुझे अंदाजा है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। उसके अलावा है जी एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है। एल्डोस्टेरोन में उसने ये लिखा हुआ है कि प्राइमरी रेगुलेट्स ECF, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, और क्या करता है, सोडियम के कंटेंट को रेगुलेट करता है, एंड रिलीज इन हाइपोवोलेमिक स्टेट। जो एल्डोस्टिरोन है इसका जो रिलीज है वो कब इंक्रीज होता है, हाइपोवोलेमिक स्टेट, मतलब कि जब आपका बीपी कम होगा, जब आप आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम होगा, मतलब कि आप में पानी की कमी हो गई, तो आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, आपका एल्डोस्टिरोन रिलीज होगा। और इसमें एमसीक्यू ये वाला है कि जब भी एल्डोस्टिरोन आता होगा आप में क्या होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों होगी, क्योंकि ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर फेंक देता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर फेंकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मैं इंशाल्लाह आपको सेंड भी करूंगा ग्रुप में, वो ये है कि ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, इसको अंडरलाइन कर लेना, कि जो आपका ये एल्डोस्टेरोन है इट इज रिलीज्ड ड्यू टू, जो एल्डोस्टेरोन है वो रिलीज कब होता है, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जब, जो एल्डोस्टेरोन रिलीज कब होता है, जो एल्डोस्टेरोन हाइपरकलीमिया, यहाँ पे लिख लें हाइपरकलीमिया, जब भी हमें हाइपरकलीमिया होता है ना तो हमारा एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जब भी हमें हाइपरकलीमिया होगा तो एल्डोस्टेरोन क्या होगा, रिलीज होगा। उसके बाद ये यहाँ पे एक और एमसीक्यूज है ये वाला जो मैंने हाईलाइट भी किया है, कि जो एल्डोस्टेरोन है ये रिस्पोंड करता है टू हाइपरकलीमिया। ये वही बात है कि जब हाइपरकलीमिया होगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, और जब एल्डोस्टेरोन आएगा तो वो क्या करेगा, पोटाशियम को बाहर फेंक देगा, पोटाशियम को बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पे, और आज का टॉपिक काफी आसान है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज है तो ये समझ लो आपको पहले जाता है, अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो सबसे पहले तो हमने कहा था कि यार जो आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है ना ये होता क्या है, तो मैंने कहा था कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है ये 3 तरह के सेल से मिलकर बनाता है। ये देखो आपकी बुक ने भी सेम वही बात लिखी हुई है कि जो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है वो किस किस से बनाता है, मेसेंजियल सेल्स, वो किस से बनाता है, मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स कौन से थे, सपोर्टिंग सेल्स। उसके अलावा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, उसके अलावा उस जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है उसने लिखा हुआ है कि मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ अफेरेंट आर्टेरियोली, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। उसके अलावा जो मैक्यूला डेंसा, 3 सेल्स आपके मिलते हैं और उससे आपका क्या बनता है, उससे आपका बनता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब हम इसको समझते हैं कि यार जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस करता क्या है। तो जब भी आपका बीपी कम होगा, जब भी आपका बीपी कम होगा तो क्या होगा, आपकी किडनी को NaCl की सप्लाई कम होगी। जब आपका NaCl आपकी किडनी की तरफ कम जाएगा तो जो आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स सेक्रीट करेंगे रेनिन इन रिस्पॉन्स टू, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो सेक्रीट करेंगे रेनिन इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल ब्लड प्रेशर एंड सिंपैथिक टोन। तो वही बातें हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं कि क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा, और क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा, और क्या होगा कि हमारा जो रेनिन रिलीज होगा। अब जो रेनिन है वो क्या करेगा, जो रेनिन है वो क्या करेगा, वो हमारे इफरेंट आर्टरियोल को क्या कर देगा, इफरेंट आर्टरियोल को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। जब इफरेंट आर्टरियोल क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा, इफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो हमारी जो GFR है वो भी ज्यादा हो जाएगी। जब GFR ज्यादा होगी, जब GFR क्या होगी, ज्यादा होगी तो क्या होगा, GFR जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, तो जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बीपी कम हुआ था, जो हमारे सोडियम की सप्लाई कम हो रही थी इसको मैक्यूला डेंसा को, वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगी। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस मेंटेन GFR वाया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बीटा ब्लॉकर। अगर हम किसी बंदे को बीटा ब्लॉकर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो बीपी है वो कम हो जाएगा बाय डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इनहिबिटिंग बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑफ द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस डिक्रीज रेनिन रिलीज। इसको देखो मेरी पेंसिल नहीं चल रही, पता नहीं क्या मसला हो गया, 1 मिनट, क्यों नहीं लिख रही। अच्छा उसने ये लिखा हुआ है कि जब भी हम क्या देंगे, हम बीटा ब्लॉकर देंगे, जब भी हम क्या करेंगे, हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा,
जब बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, हमारा बीपी कम हो जाएगा। जब बीपी कम होगा, देखो हम बीटा ब्लॉकर क्यों देते हैं, बीपी को कम करने के लिए। तो जब हम बीपी को कम करेंगे तो क्या होगा, हमारी कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट कैसे कम होती है, क्योंकि हमारे जो बीटा वन रिसेप्टर होते हैं किसमें, हार्ट में, जब हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, हमारा हार्ट कम कंट्रैक्ट करेगा, तो जिससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हम जो रेनिन है वो भी कम से कम रिलीज होगा। तो ये उसने बात लिखी हुई है कि जब आप बीटा ब्लॉकर देते हैं तो हमारा रेनिन भी कम रिलीज होता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, मेरे